दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक बार तरसना यानी कि लॉन्गिंग टू और लॉन्गिंग फॉर की एग्जांपल लेकर आ गए हैं। तो जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको लॉन्गिंग टू का प्रयोग समझा दिया था कि लॉन्गिंग टू का प्रयोग कैसे होता है। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा चार चार एग्जाम्पल हर टेंस की। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लेना कि कैसे लॉन्गिंग टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको तीनों के यानी कि तीनों टेंस के अंदर चार चार एग्जाम्पल दूंगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट यूजेस देखने के लिए जैसे कि लॉन्गिंग टू, फील लाइक, है ना, और क्रेविंग टू और हैंकरिंग फॉर। तो इस तरह इम्पोर्टेंट यूज ये होते हैं। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इनके यूज आना ही आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और चार एग्जांपल है। तो पहला है, हम मोबाइल चलाने के लिए तरस रहे हैं। मान के लिए कोई बच्चे हैं और उनको मोबाइल ही नहीं मिल रहा, उनके पेरेंट दे ही नहीं रहे, तो क्या बोलते हैं कि हम मोबाइल चलाने के लिए तरस रहे। तो क्या कहेंगे हम इसको, वी आर लॉन्गिंग टू चलाने के लिए। तो मोबाइल चलाना होता ऑपरेट, तो लॉन्गिंग टू ऑपरेट मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। ठीक है, तो हम मोबाइल चलाने के लिए तरस रहे, इस तरह से इस वाक्य को बनाएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल है, मैं अपने देश वापस जाने के लिए तरस रहा हूँ। मान चलिए जैसे कि लॉकडाउन का भी समय आया था, तो कुछ लोग अपने देश के विदेश में थे, तो वो लोग अपने देश आने के लिए तरस रहे थे। ठीक है ना, तो इस कंडीशन हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, मैं अपने देश वापस जाने के लिए तरस रहा हूँ। तो आई एम लॉन्गिंग टू गो बैक माई कंट्री, टू गो टू माई कंट्री बैक। ठीक है, मैं अपने देश वापस जाने के लिए तरस रहा हूँ। क्या आप बुर्ज खलीफा देखने के लिए तरस रहे हैं? क्या आप बुर्ज खलीफा देखने के लिए तरस रहे हैं जो कि दुबई में बना हुआ है? ठीक है, तो यदि आप देश देखने के लिए तरस रहे हैं तो कमेंट में बताइए येस और नो। चलिए फिर मैं इसको बना देता हूँ। तो क्या आप बुर्ज खलीफा देखने के लिए तरस रहे हैं? तो इसको हम बनाएंगे, आर यू लॉन्गिंग टू सी, आर यू लॉन्गिंग टू सी द बुर्ज खलीफा सिचुएटेड इन मुंबई। हम ये भी लिख सकते हैं आगे कि जो कि दुबई में स्थित है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर वे एक करोड़ के लिए तरस रहे हैं। तो भाई एक करोड़ के लिए तो सभी को ही तरस रहे हैं, ठीक है ना, तो आप तरस रहे हैं कमेंट बताना मुझे, नहीं तरस रहे तो अच्छी बात है। तो वे एक करोड़ के लिए तरस रहे हैं, तो दे आर लॉन्गिंग फॉर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन्गिंग फॉर। देखो, मैंने बताया था कि जब भी लॉन्गिंग के बाद नाउन आएगी तो हम वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉन्गिंग के बाद वन करोड़, ये क्या है, एक नाउन है ना, एक करोड़ दो करोड़ जो पैसे हैं वो सब नाउन है। तो फॉर अ करोड़, ठीक है, वे एक करोड़ के लिए तरस रहे हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर अ करोड़। तो चलिए, ये मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चार एग्जांपल आपको बताए हैं, और अब मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के चार एग्जांपल बता देता हूं। चलो वो बंद कर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल बता दिए हैं, अब पास्ट टेंस के मैंने एग्जांपल लिख लिए हैं। देखिए, हम मोबाइल चलाने के लिए तरस रहे थे, तो जब भी थे आए, थे था थी, इस तरह के वाक्य आते हैं कंटीन्यूअस टेंस के, तो हम यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस की सहायता लगाते हैं जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज की जाती है, वाज वर उनको लगाएंगे यहाँ पर। तो वी के साथ वर लगता है तो हम कर देंगे यहाँ पर वर, वी वर लॉन्गिंग टू ऑपरेट मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, यहाँ पर एस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अपने देश वापस जाने के लिए तरस रहा था, वापस जाने के लिए, फिर हम यहाँ पर आने के लिए कर लें तो कम हो जाएगा, तो आई वाज क्या होता है, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, आई वाज लॉन्गिंग टू कम टू माई कंट्री बैक। ठीक है, बैक हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ कम के बाद भी यूज कर सकते हैं। क्या आप बुर्ज खलीफा देखने के लिए तरस रहे थे? तो हम यहाँ पर करेंगे यू के साथ वर का प्रयोग, वर यू लॉन्गिंग टू सी द बुर्ज खलीफा
फिर वे 1 करोड़ के लिए तरस रहे थे. देवर लॉन्गिंग फॉर अ करोड़, या फिर यहाँ पर 1 करोड़ भी हम कर सकते हैं, फॉर वन करोड़. ठीक है, इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस वाक्यों को बनाएंगे. चलिए मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के 4 एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी से. तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ्यूचर टेंस के 4 एग्जांपल लिख लिए हैं और इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी किए हैं. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ. हम मोबाइल चलाने के लिए तरस रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहक्रिया लगाएंगे. विल बी, शैल बी जो लगती है, यहाँ पर हम वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी, तो हमने यहाँ पर शैल बी लगा दिया. वी शैल बी लॉन्गिंग टू ऑपरेट मोबाइल फोन्स. फिर यहाँ पर मैं अपने देश वापस आने के लिए तरस रहा होगा, है ना. तो आई शैल बी लॉन्गिंग टू कम टू माय कंट्री बैक. फिर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमने शैल का प्रयोग कर दिया. फिर क्या आप बुर्ज खलीफा देखने के लिए तरस रहे होंगे, यहाँ पर हम विल का प्रयोग आगे करेंगे. फिर यू के बाद बी, बी कभी भी आगे नहीं आता सब्जेक्ट के, बी सब्जेक्ट के पीछे ही रहता है. तो विल यू बी लॉन्गिंग टू सी द बुर्ज खलीफा, ठीक है. फिर यहाँ पर वे 1 करोड़ के लिए नहीं तरस रहे होंगे, वे 1 करोड़ के लिए नहीं तरस रहे होंगे. यहाँ पर दे विल नॉट बी, अगर नॉट बी आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में तो विल और नॉट, या फिर सेल सॉरी विल और बी के बीच में नॉट आता है यानी कि विल नॉट बी, और सेल और बी के बीच में नॉट आता है यानी कि सेल नॉट बी, ठीक है, याद रखना. तो दे विल नॉट बी लॉन्गिंग फॉर 1 करोड़ रुपीज, हम यहाँ पर रुपीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, रुपीज, इस तरह से. तो आपने देखा किस तरह से तरसना वाले वाक्यों को हम बनाते हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रयोग के साथ.